नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। आम जनता की परेशानी बढ़ने वाली है। रोडवेज में सफर करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ सकता है, क्योंकि एक बार फिर हरियाणा रोडवेज की बसों के पहिए थमने वाले हैं और एक बार फिर से होने वाला है चक्का जाम। अपनी मांगों को लेकर अड़े रोडवेज कर्मचारियों से मनोहर सरकार ने बातचीत की, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बात ना बन सकी तो कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया। बावजूद इसके रोडवेज कर्मचारी आज रात 12 बजे से हड़ताल करेंगे और एक बार फिर से करेंगे चक्का जाम। आज सफर पर निकलने की सोच रहे हैं तो वापस आने की अपनी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद बस से यात्रा करने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के साथ हुई बातचीत फेल होने के बाद कर्मचारियों ने चक्का जाम करने की ठान ली है और इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रात 12 बजे से 9 राज्यों के लिए रोडवेज की बसें नहीं दौड़ेंगी। चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू, हरियाणा और उत्तराखंड में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। 12 बजे से पहले रूट पर गई बसें ही चलेंगी, जिसके बाद गंतव्य स्थल पर पहुंचकर खड़ी हो जाएंगी। रोडवेज बेड़े में शामिल 4200 बसों में से एक भी बस सेवाएं नहीं देंगी। हालांकि सरकार के एस्मा लगाने का भी कर्मचारियों पर कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। किलोमीटर स्कीम के तहत परिवहन विभाग में 720 बसों का कॉन्ट्रैक्ट पर चलाने के फैसले पर रोडवेज कर्मचारी भड़के हुए हैं। सरकार 700 बसों को हायर कर रही है किलोमीटर स्कीम पर, उसके विरोध में हमने सरकार से अनुरोध किया था कि इस महकमे को बेचने की चाल मत चलो। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। जब हमारे जो स्टेट के नेता थे उन्होंने 5 सितंबर का चक्का जाम करने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। एस्मा के ये चाहे फांसी तोड़ दो, कर्मचारी रोडवेज का एक एक कर्मचारी एस्मा लगवाने के लिए तैयार है, फांसी टूटने के लिए तैयार है, टोकरी गंवाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत में 700 बसों को हायर नहीं होने देंगे। तो दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारियों की बार बार की हड़ताल से सरकार परेशान है। इस बार मनोहर सरकार ने सख्ती से निपटने की रणनीति बनाई है, लेकिन अगर कर्मचारी चक्का जाम करते हैं तो सरकार और कर्मचारियों के बीच जनता जरूर पिसेगी। प्रदेश में रोडवेज बेड़े में 4142 बसें हैं, जिनमें से करीब 3900 बसें सड़कों पर हर रोज चलती हैं। ये बसें 13 लाख किलोमीटर का सफर तय करती हैं। हर रोज करीब 33 लाख लोग इन्हीं वाहनों में आते जाते हैं। इनमें 11,50,000 रोडवेज की बसों में सफर करते हैं। इन्हीं 11 लाख से ज्यादा लोगों को परेशानी होना तय है। 150 बसों में हर रोज स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों को भी परेशानी होगी। कर्मचारियों और सरकार के बीच लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बन पा रही है। हड़ताल से सरकार को लाखों का नुकसान होगा और जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि चक्का जाम को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए अपने रिपोर्ट की किस तरह से एक बार फिर से चक्का जाम करने वाले हैं रोडवेज कर्मचारी और आर पार की लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है। लेकिन सवाल इसको लेकर कई उठ रहे हैं कि जो सरकार सख्ती कर रही है उसके लिए सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या है। इसके अलावा क्या निजी स्वार्थ के लिए, बार बार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए रोडवेज के कर्मचारी इस तरह से हड़ताल कर देते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता, जिसको तमाम मुश्किलें आने वाली हैं। चर्चा आज हम करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, गुरुग्राम प्रधान रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। विनोद शर्मा जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से जो बार बार उठ रहा है विनोद जी,
सरकार और आपके बीच में बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? बैठकें होती हैं, कई दौर की बैठकें होती हैं, बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका, आपने यहाँ बुलाया, ताकि रोडवेज कर्मचारियों के ऊपर जिस प्रकार से सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है कि कर्मचारी रोजाना ब्लैकमेलिंग करके हड़ताल करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता से माफी चाहूंगा कि आज जो रोडवेज का कर्मचारी है, आपने भी अभी अपनी बात में दोहराया कि वो अपने कोई निजी स्वार्थ के लेकर के हड़ताल पर जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज रोडवेज का कर्मचारी केवल जनता की मांग को लेकर के लड़ाई में जा रहा है। जहां तक जनता की मांग है, लेकिन जनता को परेशानी में डालकर आप ये कदम उठा रहे हैं। अब ये इसके लिए हम पहले ही माफी मांगते हैं। अब 4000 कुल बसें आज हमारे पास ऑपरेट करने के लिए दी है सरकार ने, ठीक है, जबकि आज प्रदेश की अगर जनसंख्या को देखें 2,83,00,000 के करीब जनसंख्या है प्रदेश की, आज 15,000 बसों की आवश्यकता है। हम लगातार ये मांग करते आ रहे हैं, आज से नहीं, 2004 हुड्डा की सरकार बनी जब से हम मांग कर रहे हैं कि हर वर्ष अगर 500 गाड़ियां भी सरकार नई शामिल करे तो हरियाणा की जनता को अच्छी सेवा मिल सकती है और बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है। ये सरकार आई 2014 में, इन्होंने वादा किया था बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में कि हर वर्ष हम हरियाणा सरकार को में 1000 नई बसें रोडवेज में शामिल करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक एक भी बस नहीं बढ़ाई, उल्टी घटी है हमारी गाड़ियां। 2014 में हमारे पास लगभग 4400 कुछ बसें थी, आज वो मात्र 4083 बसें रह गई है। तो आज ये कहना कि रोडवेज कर्मचारी अपने स्वार्थ के लिए हड़ताल पे जाते हैं, ऐसा मैडम नहीं है। और हम बार बार ये आज भी कह रहे हैं कि हड़ताल से समस्या का समाधान नहीं होगा, हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार शायद बातचीत करना नहीं चाहते। अभी 29 तारीख को बातचीत करने गए थे हम वहां पर, लेकिन अधिकारियों के अड़ियल रुख से और जो मंत्री जी का जो रवैया था उसके कारण हमारी कोई बात सिरे नहीं चढ़ सकती। हम केवल एक मांग है कि 720 जो किलोमीटर स्कीम पर हायर सरकार कर रही है उसको रद्द कर दे। नहीं, उससे दिक्कतें क्या है, क्योंकि सरकार का तो यही कहना है कि ये आम लोगों की सहूलियत के लिए है, आम लोगों की जरूरत है, आज की जरूरत है, लेकिन इसको लेकर रोडवेज कर्मचारियों की दिक्कतें क्यों इतनी उत्पन्न हो रही है? फिर पूजा जी आप बताइए, आज जब कोई जनता की मांग ही नहीं है, प्राइवेट बस जो पहले चल रही है, पहले वो सही चला ले सरकार, आज 1000 से ज्यादा प्राइवेट बसें ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन आपने अभी पिछले राखी का त्योहार था, आपने ये खबरें दिखाई थी अपने न्यूज चैनल पे कि किस तरीके से जो प्राइवेट गाड़ियों के चालक और परिचालक बदमाशी करते हैं, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि फ्री सेवा दी जाएगी बहनों को, लेकिन उन्होंने किराया वसूल किया, ये लगातार मीडिया में रहा, उसके बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन जनता ये चाहती है। आज 39 कैटेगरी को सरकार ने सब्सिडी तो दे दी, लेकिन उनके लिए बसें कौन ले आएगा? हम बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ तक तैयार हैं। विनोद जी, विनोद जी आप ये भी कह रहे हैं कि बार बार हड़ताल चक्का जाम कोई भी इसका समाधान नहीं है, और आपको पता है इस दौरान आम जनता परेशान कितना होती है, ऑटो वाले मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं, जो अन्य कैब ड्राइवर्स होते हैं वो किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं, तो लोगों का तो हैरेसमेंट हुआ, ये उनको क्या फायदा हो रहा है? वो प्राइवेट बस में जाए, सरकारी बस में जाए, उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है, और जो मिल भी रहा है वो आप लोगों की वजह से, हड़ताल की वजह से और कम हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ पूजा जी, 720 बसें आने से क्या कायाकल्प हो जाएगा यहाँ की पब्लिक का? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बसें ईमानदारी से नहीं ले रहे हैं। अब ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि परिचालक हम रोडवेज की तरफ से देंगे उस बस को, चालक और बस मालिक की होगी। हम ये कह रहे हैं कि आज भी हमारे पास लगभग 493 बसें बगैर परिचालकों के खड़ी है, तो उन 720 को परिचालक कहां से मुहैया कराएगी सरकार? चालकों की, परिचालकों की भर्ती नहीं कर रही, चालकों की पीछे भर्ती की उसमें भी अभी 400 चालक सरप्लस नहीं है हमारे, कम है। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार को सही डाटा बनाए, एक सरकार से हम आज भी मांग करते हैं, हम तो शोक नहीं है हड़ताल पर जाने का, हमें हम ये कहते हैं सरकार बातचीत के लिए टेबल पर आए और खुले दिमाग से बातचीत करे। नहीं, जब बातचीत की बात आती है तो खुद परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार कहते हैं कि खुला आपको न्योता है, आप कभी भी बातचीत कर सकते हैं, बैठकें कितनी बार हुई लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई बैठकें, हर बार सरकार की भी है मैडम कि सिरे क्यों नहीं चढ़ पाती, क्योंकि अधिकारी है वो गलत गाइड कर रहे हैं सरकार को, और सरकार ये देख नहीं रही। हम बार बार कह रहे हैं कि आज रोडवेज का कर्मचारी यहाँ तक तैयार है कि भाई आप प्राइवेट बसें ना लाओ, सरकारी बसें होगी, अगर आपके पास पैसे नहीं लाने के लिए तो रोडवेज का कर्मचारी तो आज एक एक दिन का वेतन देने को तैयार है हर महीने, ताकि हमारे बेड़े में नई बसें आती रहे, लेकिन सरकार इसके लिए भी एग्री नहीं, क्योंकि सरकार को जनता के उससे कोई सरोकार नहीं है।
जनता तो पिस रही है, हमें मत आया कि हम हड़ताल पे जाएंगे, परेशानी जनता को होनी है जी, बिल्कुल। उसके लिए हम माफी मांगते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ चारा नहीं है। अब सरकार कई लाइन पे आती नहीं, हम बार बार मांग कर रहे हैं कि नई बसें बढ़ाओ, आप भर्तियां करो, जनता को सुविधा दो। आप आज 39 कैटेगरी, आप इसकी 40 करो, 45, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो नौकरी करनी है, सेवा देनी है जनता को, लेकिन सरकार हमें उकसा रही है कि बार बार, आज इस सरकार में छठी बार एस्मा लगाया। अब एस्मा लगाने क्या ऐसी आवश्यकता, कोई इमरजेंसी है इस देश के अंदर, प्रदेश नहीं के अंदर? वो कह रहे हैं ये इनकी हट धर्मिता है, अगर ये ऐसा ही हमारी कोई हट धर्मिता नहीं है तो ये आज भी हम कह रहे हैं सरकार खुले दिल से अगर बुलाएगी, आज भी हम अब जाने को तैयार है, बातचीत करना चाहते हैं हम कि कोई इसका रास्ता निकले। आप दोनों की मुझे बात नहीं समझ आती, एक तरफ आप कहती हैं कि खुले दिल से सरकार बुलाए, सरकार न्योता देती है, बीच में आम जनता पिसती है। ये बड़ी इस वक्त असमंजस की स्थिति है जिसको समझना होगा कि आखिरकार आम लोगों की ये समस्या कैसे खत्म होगी। क्या हड़ताल ही एकमात्र चारा इस प्रदेश के लिए बचा है? हर कर्मचारी जिसको देखो सड़कों पर उतरकर अपनी मांगे लेकर निकल पड़ता है, और सरकार के पास आखिरकार रणनीति क्या है, वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की क्या है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चक्का जाम। जी हां, हड़तालियों ने कह दिया है कि हम बेमियादी हड़ताल करेंगे, लेकिन सवाल ये क्या इससे समाधान निकलेगा। इससे पहले भी कई बार बैठकें हुई, बातचीत की गई, सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच में सलाह मशवरा हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ, समाधान आज तक नहीं निकला। इसके बाद कई बार प्रदर्शन हुए, चक्का जाम किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जनता की सुविधा के बारे में कौन सोचेगा अब, क्योंकि एस्मा लगाने की बात सरकार कह रही है, दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि ब्लैकमेलिंग से अब काम नहीं चलेगा, तो रोडवेज के जो मांगे हैं जायज, उनको कब तक सरकार की तरफ से माना जाएगा। विनोद जी, आप इससे पहले बता रहे थे कि ठीक है, आप मानते हैं कि जनता को परेशानी होती है और जनता के हित के लिए आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आप जनता के हित का काम कर रहे हैं तो उनको परेशानी में डालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? क्या यही एकमात्र चारा बचा है? क्या सरकार से बातचीत नहीं हो सकती फिर से? हम लगातार प्रयास कर रहे, कोई आज से नहीं कर रहे। अब आप देखिए, 27 दिसंबर 2017 को हमारे मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव आर के खुल्लर जी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और समझौते लिखित रूप से हुए, वो आज तक लागू नहीं किए सरकार ने। अब देखिए क्या विश्वास करें, आज भी हम कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि रोडवेज का कर्मचारी हड़ताल पे जाए। हमें पता है कि जनता को बहुत भारी परेशानी होती है, बिल्कुल। आज भी हम ये कह रहे हैं कि जब परिवहन मंत्री से और अधिकारी से हमारी वार्ता विफल हो गई, हमारी शरह नहीं चढ़ी, तो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माने जी, उनको चाहिए कि वो इंटरवीन करें इस बात में। ठीक है, मनोहर लाल जी बुलाए यूनियन को। क्या कुछ परिवहन मंत्री कह रहे हैं, कृष्णल पवार ने क्या कुछ कहा इन सबको लेकर, सुना देते हैं आपको भी और उसके बाद चर्चा करेंगे क्या कुछ कहा उन्होंने। यूनियन के पदाधिकारियों ने पहले हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था कि हम कोई सरकार पॉलिसी बनाएगी तो उसका विरोध नहीं करेंगे, तो इसलिए हाई कोर्ट के अंदर भी मामला विचारा दिया, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है कि जब एफिडेविट दे चुके हैं तो उसके बाद इस तरह स्ट्राइक करना गलत। इसके लिए जो हमने एस्मा लगा दिया, तो एस्मा एक कदम ही है। यूनियन के पदाधिकारियों ने पहले हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था कि हम कोई सरकार पॉलिसी बनाएगी तो उसका विरोध नहीं करेंगे, तो इसलिए हाई कोर्ट के अंदर भी मामला विचारा दिया, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है कि जब एफिडेविट दे चुके हैं तो उसके बाद इस तरह स्ट्राइक करना गलत। इसके लिए जो हमने एस्मा लगा दिया, तो एस्मा एक कदम ही है। ठीक है, सुन लिया आपने क्या कुछ कहा था इस दौरान। इस प्रकार से जो मंत्री जी बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ऐसा कोई एफिडेविट नहीं दिया गया कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी उसका हम विरोध नहीं करेंगे, केवल इस बात के लिए हमारी सहमति बनी थी और ये बाकायदा लिखित में समझौता है कि 452 मार्गों पर जो ग्रामीण क्षेत्र में रूट थे हमारे, वहां हमारी सहमति थी कि वहां पर आप प्राइवेट बसें चला सकते हैं, और सरकार ने भी कहा था कि हम 452 रूटों पर प्राइवेट बसें चलाएंगे। प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से ले लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ, नमस्कार शास्त्री जी, सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार, सुन रहा हूँ।
क्या कुछ अब वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि चाहे आप एस्मा लगाएं या जितनी मर्जी बैठकें कर लें, रोडवेज कर्मचारियों ने तो कह दिया है कि हम हड़ताल पर रहेंगे, मतलब रहेंगे। आपके पास क्या ऑप्शन है अब जनता के लिए? देखिए सरकार, पहली बात तो कि ये आंदोलन कर्मचारी हित के बजाय ये राजनीतिक प्रेरित आंदोलन है। इस आंदोलन में जिस प्रकार के लोगों की इनरोलमेंट पिछले दिनों से अभी तक चल रही है, उसमें सरकार विरोधी लोग हैं और वो नहीं चाहते कि कर्मचारी का या पब्लिक का कोई हित हो। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। रही बात वैकल्पिक व्यवस्था की, सरकार इसके अंदर वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, आम जनता इनके हड़ताल के कारण से प्रभावित ना हो, और जिस प्रकार की भी व्यवस्था सरकार जनता के सुविधा के लिए रोडवेज की व्यवस्था की है, स्थापना की है, वो जनता के हित के लिए है। सरकार कमाने के लिए नहीं करती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आगे रखकर सरकार को और कर्मचारियों को दोनों को मिलकर बैठ कर बात नहीं, ये मिलकर बैठ कर बात करेंगे। ये शास्त्री जी, हमें बहुत अरसा हो गया सुनते हुए, बहुत समय से सुन रहे हैं कि आप न्योता दे रहे हैं, और जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक सुनेंगे। आप जैसे जनता तब तक पिसेगी, परेशानी झेलेगी जब तक नहीं। अब सरकार का जो बातें हैं कि या तो कर्मचारी जैसे अपने जायज नाजायज बातें कहें, सरकार उनको मानती चलाए, जनता जाए बाहर में इनके राजनीति चमकने चाहिए, ये एक बात मान के चले, या जो सरकार जनता और कर्मचारी तीनों की हित की बात हो उनको मान के चले, ठीक कौन सा रहेगा? ठीक है, केवल कर्मचारी एक पक्ष नहीं है ना। ठीक है, कर्मचारी वर्ग से भी जवाब ले लेते हैं। विनोद जी क्या कहेंगे आप? वैसे शास्त्री जी ने कहा है कि कोई राजनीतिक बीच में आकर के मांग है तो मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार जब अपनी मर्जी से देती है जब ही देती है, मांगने से कभी सरकार ने आज तक नहीं दिया। जहां तक आंदोलन की बात है, हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई हमारा इन्वॉल्वेशन नहीं है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि 720 जो गाड़ियां अगर ये नई ला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से, क्या उससे जनता को कोई फायदा होगा? हम इस पर बहस करने को तैयार है, हमने सामने बैठ करके खुली चुनौती है कि आप हमें कम से कम ये बताएं कि 720 बसों से क्या हरियाणा की जनता को कुछ फायदा होगा? जब हमारी 400 बसें खड़ी है रोडवेज की, वो चलाने में तो समर्थ नहीं है सरकार, और उल्टा ये कह रहे कि 720 बसें लेंगे, उस पे एडामेंट है, और ये इतना बड़ा मतलब कोई इतना बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन सरकार एडामेंट है, क्योंकि सरकार इकबाल चाहती है कि हमारा बहुत बड़ा इकबाल है, सरकार ने जो प्रस्ताव पास कर दिया है वो जनता के हित का है, हित का, उसको हम लागू करेंगे। तो ये तो एक जिद है सरकार की। बाकी मैं ये मानता हूँ सरकार आज भी चाहे ईमानदारी से तो बातचीत के रास्ते से इसको सुलझाया जा सकता। चलिए बातचीत, आपके आप भी तैयार है बातचीत के लिए, सरकार भी तैयार है, लेकिन ना जाने बातचीत कोई कर क्यों नहीं रहा है, फिर क्यों जनता इस तरह से पिस रही है, और कल हम देखेंगे उसका नजारा जब लोगों को तमाम जो मुश्किलात आएंगी उसकी तस्वीरें भी कल सामने आ जाएंगी। बहरहाल शुक्रिया आपका विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े। अब सरकार की हठधर्मिता या फिर इन कर्मचारियों की, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच कोई ना कोई समाधान जल्द से जल्द इसका निकालना होगा, वरना ऐसे ही आम जनता दोनों के बीच में पिसती हुई नजर आएगी। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।